अलीगढ़ के टप्पल में हुई 2.5 साल की बच्ची के साथ दर्दनाक घटना ने जहां पूरे देश को दहला कर रख दिया, तो वही मऊ जनपद में ब्राह्मण विकास परिषद अलीगढ़ की घटना को लेकर काफी गुस्से में है। आज ब्राह्मण विकास परिषद की नगर इकाई ने देश के राष्ट्रपति के नाम से संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी को सौंपा है। आज हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को, जिला महोदय द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिए हैं। उसका मुख्य कारण ये था कि इस प्रदेश में लगातार बच्चियों के साथ बलात्कार, लूट, हत्याएं, यह लगातार क्रमबद्ध तरीके से चल रहा है। और इसी क्रम में अलीगढ़ के टप्पल में एक टिंकल शर्मा नाम की 2 वर्ष 7 माह की बच्ची के साथ निर्मम हत्या की गई, जिसमें हम लोग इतने मर्माहत थे कि 2 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे, ब्राह्मण विकास परिषद के लोगों ने भूखे प्यासे रह करके, और आज उसी बात को हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को इस बात का ज्ञापन दिए। क्या आगे रणनीति बनाएंगे कार्रवाइयों के लिए? तो बहुत लेटर गया है, इससे पहले भी बहुत लूट हत्याएं हुई, लोगों ने ज्ञापन दिया, हुआ कुछ नहीं, सरकारी महकमा नहीं बदल पाया, आगे क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? क्या धरने पे बैठेंगे, लखनऊ में घेराव करेंगे या किस तरह की लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग सर्वप्रथम इस मामले को सरकार से महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा, राष्ट्रपति महोदय द्वारा, हम लोग ये चाहते हैं कि इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट, और अगर इससे भी अति शीघ्र कोई और व्यवस्था बन सके तो इसके माध्यम से उन पकड़े हुए अपराधियों को सजा देने का काम करें। और अगर इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत नहीं लाया जाता है, सामान्यतः लिया जाता है, तो हम अनशन और सड़क पर निकलने का काम करेंगे, जिससे समाज में यह एक व्यवस्था दी जाएगी कि जिससे लोगों को यह एहसास हो सके कि हमारी सरकार कहीं ना कहीं निकम्मीपना वाला काम कर रही है, जिससे जिसमें लड़कियां, आदमी और अन्य व्यवस्थाएं सुरक्षित नहीं हैं।